कैथल की जिला अदालत ने नाबालिग भतीजी से बलात्कार करने वाले दोषी चाचा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिक्र योग्य है कि पीड़िता गर्भवती हो गई थी और एक बच्चे को जन्म भी दिया था। बच्चे का डीएनए आरोपी से मेल खा गया था। केस की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश हुकम सिंह की अदालत ने रोहेड़ा माजरा निवासी जय भगवान को उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पिछले पेपर में छप गया लिखा था 2 तारीख को, उससे डिटेल मिल ये 2 तारीख को सर एक फैसला आया है जिसमें एक आरोपी दोषी चाचा को उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है, क्या था वो मामला? ये पिछले साल का मामला है, एक चाचे ने अपनी भतीजी के साथ रेप किया था जिससे वो प्रेगनेंट हो गई थी, उसको बाद में बच्चा भी हुआ और उसको कल कोर्ट ने सब एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए उम्र कैद की सजा दी है 50,000 रुपये की। तो लड़की नाबालिग, लड़की नाबालिग थी उसमें, और ये अच्छी बात है, इससे समाज में ये बात जाएगी कि लोग इस बात से डरेंगे और न्याय मिलेगा लोगों को। सर कैथली कोर्ट में एक फैसला आया है कि एक जो चाचा है उसको उम्र कैद की, क्या मामला? ये उसका अपनी भतीजी के साथ ही उसने रेप किया है, वो माइनर है लड़की, उसमें माननीय हुकम सिंह जी एडीजे की अदालत से उसको सजा हुई है, उसमें उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और 50,000 रुपये जुर्माना।